सारियां सवारियां पूरियां ने। यस। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक। मैं हूं मोहसिन अब्बास है। मैं ज़ोहा। और वो कौन? और मैं हूं फलक बट। और आप कौन हैं? मैं हूं सफे अव्वल की होस्ट, एक्ट्रेस और राइटर माजरा खान। ओके। आप? मैं हूं चौधरी बुलंदबख्त। ऑफ कोर्स। मैंने हिसाब लगाया है कि बंदा किताब छपवाए बगैर मशहूर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी सवाने हयात छपवाऊं। एक सेकंड चार साहब, आपकी सवाने हयात नहीं होगी, आपकी सवाने बाहयात होगी। और वैसे भी इस चैलेंज को कौन कबूल करेगा? मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, ये एक मुश्किल टास्क मैंने चौधरी माजरा खान को सौंपा है। इनका हाथ आजकल बड़ा रवा है। मोहसिन, सवाने हयात को सवाने वाह हयात बनाने में मेरा दूर तक कोई सानी नहीं, बल्कि बहुत दूर तक कोई सानी नहीं। ठीक है। किताब तो आपकी बिकी नहीं, अब क्या आधी कीमत पे बसों में बेचेंगी? जितनी इनकी ट्रॉलिंग हो चुकी है ना, बसों में इनसे कोई फक्की भी नहीं खरीदेगा। कितनी मासूम है ये बेचारी, इनको ये भी नहीं पता कि कुछ किताबें कमाई के लिए बिकने की मोहताज नहीं होती। बड़ी बात की है भाई। चेक कर चौधरी मोहसिन, दानिशवरी चेक कर। शुक्र है, मैं क्या कहने लगा थी, दाढ़ी चेक कर। चौधरी इतने तेरा ढिड ना होता तो इतने डैम होना। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें हर पार्टी के सपोर्टर्स पसंद करते हैं। पंजाब में ऐसा कल्चर्ड सियासतदान कोई और नहीं है। लाहौर की पहचान, तशरीफ लाते हैं जनाब शेख रोहेल असगर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मिजाज बखैर है सर आपके? बहुत अच्छा। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। आपकी मेहरबानी है, नवाजिश है आपकी, आपने याद कर लिया। अरे सर 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 सर, आपके अटायर पे सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहता हूँ सर, मुझे बहुत पसंद है आपका अटायर सर। अगर इतना पसंद होता तो आपने भी पहना होता। सर मैं पहना हुआ सर, यकीन करो। ये आपकी पर्सनैलिटी है ना, जिनको अच्छी लग रही। मोहसिन पांदा तो लगता है जिवें काने दे उत्ते गट्टा लपेटिया है। माजरा जहां शेख साहब, अवार्ड याफ्ता राइटर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे किसी ने सोच समझ के नाम रखा माजरा। सर ये बारीकी आपने जो पकड़ी है, क्या बात है। सर आज आपका पब्लिक डिमांड में कॉमेडी रिमांड होगा सर। ये तो अब वक्त बताएगा किसका रिमांड होता है। सर लतीफ खोसा साहब एक ऑप्शन है हमारे पास सर, अता तारर साहब है, उनकी खिदमत देना चाहते हैं। सर इसका मतलब है कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे सर। लतीफ खोसे की मैं आपको एक शानदार बात बताऊं। प्लीज सर, प्लीज। लतीफ खोसा साहब एक जमानत के सिलसिले में हाई कोर्ट में पेश हुए। जज साहब ने बड़ा ऑनर दिया उनको। खोसा साहब किधर आए हैं? उन्होंने कहा आई एम हियर फॉर ए बेल। ओके। उन्होंने कहा बेल ग्रांटेड। उसने कहा नहीं जी, नहीं नहीं, मैं बहस करूंगा। और जज साहब ने कहा जनाब करें, स्टार्ट करें। थोड़ी देर उसने कहा बेल कर सर। वो ओके। ये आप ये चाहते हैं? तो नहीं सर, आप अपना मुकदमा खुद लड़ें सर। नहीं सर, नहीं, हम आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहते सर। वाकई हमें कोई जरूरत नहीं लतीफ खोसा की, हम दोनों मिलके केस को हैंडल करेंगे। बताएं आप दोनों, आप दोनों उसी लहदे कपल बन गए हैं। ये नहीं पता ना केड़ा केस। बिजली का बिल देखकर आप पिछली हुकूमत पर तंकीद करते हैं या अपनी हुकूमत पर? यकीन कीजिए मुझे अपने आप के मौका मिलेगा तो देखने के बाद मैं खुद परेशान होता हूँ, तो तंकीद क्या करूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जी फलानी हुकूमत आई उसने डैम नहीं बनाया, फलानी हुकूमत आई उसने डैम नहीं बनाया, फलानी हुकूमत आई डैम नहीं। डैम जो है वो है आपका इरीगेशन पर्पजेज के लिए, नॉट फॉर प्रोड्यूशन ऑफ पावर। उससे बेहतर जो चीज़ है वो है रन ऑफ रिवर, टोटली वो होती है आपकी पावर जनरेशन के लिए। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो दुनिया का एक बहुत ऊंचा फ्लो है जा, वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। पानी का
तो शुरू होता है और उसे आप लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पता नहीं, अब मैं नहीं समझ सकता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, हमारे यहाँ पे डैम कैसे? नहीं, ताड़े दे, बंद बन ही नहीं सकता ना। मैं कड़ा हथो निकल जाए नहीं है, मैं बात असल में ये कर रही हूँ कि आप ठीक कहते हैं डैम यहाँ पे नहीं बन सकता, ऐसे तो बाबिया को डैम नहीं बने। वो चला गया है, रिटायर हो गया, जरूरत अब भी नहीं नाम लेने की। बड़े बड़े लीडर उन्होंने नाम नहीं लेंदे, मैं एवं गिरफ्तार हो जाए मैं बैठा। और मैं वैसे भी शेख साहब आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहती। तो मुड़ के देखो तो सही, कुछ नहीं पिछा। जाती सा सवाल करूं जी, थक जाएंगी आप? असल तरीका जो है ना जी, जी असल तरीका जी, वो आप इसको यहाँ पे रखें सर, पा के दिखाओ सर। ऐसे ऐसे आपको ऐसे बेहतर लगी हूँ मैं? बेहतर तो किसी से भी लगती है। एड़ा भी उनके आमद नहीं आई मेरे से। सर माशाल्लाह से आप एक ऐसे सियासतदान हैं जो एक्टिव भी हैं, पॉपुलर भी हैं, गैर मुतनाज़ा भी हैं। सर आपके शायाने शान और आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने कुछ पोस्ट पेड माही लिखे हैं सर, इजाजत है सर? मैं सुनता रहूँगा आप सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपका गला बहुत अच्छा। हाँ मैं पेश करूँ सर आपकी? जरूर, बिस्मिल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ओ कोई लखपत जेल मया, ओ कोई लखपत जेल मया, पजीट जिदी पक्की होंदी है ओ शेख गम माया है, कोई कैसदा गम माया, ओ बेखता नहीं वापसगी है, आंदा सब दे कम माया। भाई ओ कोई रोंदा चाचे नू, कोई रोंदा चाचे नू, पकीता पर मोट बड़ा है एना कुरते लाचे नू, तो आपका बदला हूँ। अरे सर बड़ा खूबसूरत, आप वहाँ पे भी बड़ा माहौल बनाते थे सर, सर, सर। आपकी वो जो थी वो कमी पूरी नहीं हुई वहाँ पे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, आपने इतने अच्छे अल्फाज से नवाजा। सर इससे पहले कि यहाँ खड़े खड़े लोगों को लगने लगे हॉर्स ट्रेडिंग करने लगे यहाँ से बैठ जाते सर, क्रिकेट माहिरीन और नाकदीन का कहना है कि इस बार वर्ल्ड कप में कोई थ्रिल नहीं था। सर इलेक्शन में कोई थ्रिल नजर आ रहा है आपको? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक तो मुसीबत यह है कि 11 लड़के खेलते हैं और 24 करोड़ सिलेक्टर होता है। बहुत सी बात। एक लड़का आज खेल रहा है, अच्छा खेलता हीरो बन जाता, और दूसरे मैच में वो अगर बदकिस्मती से कुछ नहीं करता तो उसको गालियाँ पड़नी। ये एटीट्यूड बदलना चाहिए आपको, आपको खेल को खेल समझे यार। शेख साहब वैसे भी हम क्रिकेट को कैसे माइनस कर सकते हैं? देखिए वो वर्ल्ड कप का ही तो सहारा लेके कितनी आगे तक आ गए। क्रिकेट सर रगो पैर में। मेरा ख्याल है इसको हम हंसी मजाक ही रहने दें। जी जी सर, अब आपके होते हुए सर हल्का फुल्का पॉलिटिकल सटायर तो होगा ना सर? नहीं नहीं वो करें है ना, जरूर करें, लेकिन आप मुझसे ये तो ना करें कि मैं किसी को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाऊं या मैं किसी के खिलाफ बात करूं। हम आप दोनों पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे सर। मेरे पे आ सकता है ये होता है प्यार, देखा मेरे आगे कैसे सीसा पलाई दीवार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। सर मियां साहब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की तरह हार्ट फेवरेट तो हैं ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो पाकिस्तानी टीम वाली परफॉर्मेंस दें और सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाए। नहीं, मियां साहब का एक अपना
है, एक स्टैंडिंग है, एक उनकी अपनी एक लोगों में एक्सेप्टेंस है. Of course, of course. उनकी जो एक्सेप्टेंस है ना, वह तहजीब, तमीज और बुर्दबारी और बर्दाश्त. आपने देखा कभी उन्होंने किसी को गलत अल्फाज में याद किया हो, किसी के खिलाफ उन्होंने कोई बदतमीजी की हो, बद अखलाकी की हो? गैर पार्लियामेंटरी जबान नहीं बोलते. मतलब वो उनका यही चीज लोगों को पसंद है. माँ क्या चौधरी रोहेल साहब, भाई मैं आपका बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ. और यकीन करें मुझे मेरी जगीर में अक्सर लोग प्यार से चौधरी रोहेल असगर कह के पुकारते हैं. इल्जाम ला रहे हो. पूरा नहीं बता रहे ना, प्यार से लोग ने चौधरी शेख रोहेल असगर कहते हैं, गुस्से से दानियाल अजीज कहते हैं. वैसे सर ये दानियाल अजीज साहब जो हैं, ये बिलावल साहब की जबान क्यों बोल रहे हैं? अक्लमंद लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ. क्या बातें कर रही हो स्वीट माजरा खान, और मैंने तो तुमसे कई किताबें लिखवानी है. जैसी किताबें आजकल मैं लिख रही हूँ चौधरी, हर कोई चाहता है मुझसे अब किताब लिखवाना. चौधरी रेल साहब, ये है चौधरी माजरा खान जिससे मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवानी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उस किताब का दबाचा लिखना है. वेरी द फर्स्ट कजन. चौधरी साहब, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आप बकलम खुद लिखते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. मनु जो तुसी हुक्म करोगे मैं कर देंगा. मैं इन्ना भी ऊंचा नहीं सुनता जिन्ना तुसी ऊंची बोल दे. अच्छा एक साहब, अभी जट की भीदार बंदे असी इवे ही बोलने. उसे किल के ही बोल दे रहे. किल किल के. चौधरी साहब क्यों जलील हो रहे? सीधा बताएं, मेरे अंदर फेफड़े संडे दे लगे. सर ऑडियो वीडियो ये सब तो लीक होते रहते हैं हमारे यहाँ. अब जो सियासी नया एक इकदाम नजर आ रहा है वो है किताब का इस्तेमाल. आपने पढ़ी सर वो किताब जो इन्होंने लिखी है सर, वेयर द ओपियम ग्रोज? मैं ऐसी फजूलियात में नहीं पढ़ता. हाँ सर, करते हैं सर. मैं कौन सा शरीफ आदमी यार. हाँ बस वो सारी बातें नहीं बतानी, अब चुप रहें. तुम्हें पता है मोहसिन, इस किताब का नाम पहले कुछ और था. Really? Yes. क्या था? पहले था वेयर द पीएम ग्रोज. लेकिन कुछ थोड़ दिले डर गए और उन्होंने छापी नहीं ये किताब. क्योंकि इसमें कई पीएम्स के नाम थे. मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस वक्त आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं उस वक्त किताब क्यों नहीं लिखते? शेख साहब क्यों मेरे पब्लिशर के खिलाफ बातें कर रहे हैं? अगर वो थोड़ा बहुत मेरी हमायत कर ही रहे हैं तो रुक जाएंगे अंतरे. वैसे तो आप वैसे भी और तरीके से भी कमा सकती हैं. हाँ क्या क्या? यानी इशारे ते खड़ो के. बाकी ठीक कह रहे हैं शेख साहब, पैसे तो मैं और भी तरीके कमा सकती हूँ. चौधरी के साथ तमाशा करके इसको एज ए रीच रख लूंगी. चौधरी बड़ी मजाक आने की. आप भी मजाक कर रहे, आप भी हंस रहे. तुम रीच रखो हो के करामात करो हो. आए वाह 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 वाह. करामात करो हो बेलिया. ओ बेलिया. शेख साहब इस बार हुकूमत बनने लगे ना तो मखसूस नशिस्तों पर ना चीज का नाम भी लिखवा दीजिएगा. यकीन कीजिए ये पार्टी में खुशगवार इजाफा साबित होगा. आपको क्या लगता है वो सालगिरह पार्टी में काम करते हैं? जी जी चौधरी रोहेल साहब, इंदा भी नाम राशन कार्ड वाली लिफ्ट च लिखवा देना. तो मेरे पास भी हो ना जी, बोर्ड बनता ना मखसूस नशस्तों का, उसमें जरूर मैं डिसीजन मेकर हूँ, तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ. मखसूस नशस्तों के लिए वैसे भी उन्होंने मखसूस लोग रखे हुए, तुम चुप रहो. वेरी पोजेसिव. हाँ सर, कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को मुक्तदर हलकों की हिमायत हासिल है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके सर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और आईपीपी का वजूद में आना किस बात की अलामत है सर? मेरे ख्याल में मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल हामी हूँ कि सियासतदान को सियासत करे, जहाँ वो मुनासिब समझता है वहाँ जा करे, जहाँ वो कंफर्टेबल समझता है वहाँ जाके अपनी सियासत करे. बिल्कुल ठीक सर. महंगाई खत्म होने का कोई फार्मूला किसी के पास दिखाई नहीं देता सर, बिजली सस्ती होती नजर नहीं आ रही. मैं आपको गुजारिश करूँ जी, आप अपनी तवज्जो करें कि आपके इस मुल्क का कारखाना चले, रोजगार पे तवज्जो दीजिए. अब रोजगार पे तवज्जो दें, और इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ महंगाई हो जाती है ना उसको कम करना किसी के बस का रोग नहीं होता. जहांगीर तरीन साहब बिजली मुफ्त देने का ऐलान करते हैं लेकिन चीनी सस्ती करने की बात नहीं करते. चीनी सस्ती हो गई वैसे सर, आपने कभी खरीदी नहीं ना. तुम बच्ची हो ना, तुम्हें अभी पता नहीं बेटा उसका प्राइस उसकी काफी कम हुई है. हाँ जी, लेकिन ये आप ध्यान में रखें
कि जितनी शुगर मिल्स हैं वो अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वो जो आपके पास वो वेस्ट होता है उससे। नहीं, जहांगीर तरीन के अलावा जिनकी शुगर मिले हैं मियां साहब और भी जितने सियासतदान हैं। मैंने आपको गर्ज किया, वो एक ही, मैंने एक ही बात तो नहीं की ना। तो ये मैं पूछ रही हूँ, वहाँ पे क्या गटा बनता है, वहाँ पे बिजली नहीं बनती? तो आप कोशिश करो ना कि आप बड़ा थर्ड क्लास मजाक था यार, थर्ड क्लास मजाक था यार, गटा बनता है, चीनी बनती है, चीनी तो अगर गटा बनता तो बनता तो है, बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। सर, जैसे चिट्टा चौंसा फरवरी मार्च में नहीं होता सर, इसी तरह सियासी पंडित जो है वो उनका मानना है फरवरी इलेक्शन का महीना नहीं है। सर इंसाफ कीजिएगा, हम किसी के डीफेम होने का इंतजार कर रहे हैं? असल हमारे यहाँ बड़ी एक मसला है, किसी का काम किसी के फैसले बैठ के। बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह। मैं तारीख नहीं दे सकता, शेड्यूल नहीं दे सकता, मैं उसके आरओस डिसाइड नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी आरा अपने पास रखनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अरे एडम मुदब्बर होके झूठे ले रहे हैं। जनाब का तारुफ क्या है? मैं उस माशरे में रहता हूँ जहाँ बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं। ऐ पाताल लोक, कौन हो तुम? मैं लाजवाब अफसानों का तख्लीककार कृष्ण मंडो चुगताई हूँ। आप मुकम्मल इंसान है कि तीन किताबें जल्द कराइया ने करी हैं? यही तो कमाल है, कृष्ण चंदन का मैं अन्नदाता हूँ, मंटो का ठंडा गोश्त या इसमत चुगताई का फसादी, ये सब फ्लेवर आपको मुझ में मिलेंगे। इतनी छोटी किताब इतने मुश्किल अल्फाज ना हो। बाकी बड़ी बात है, ये राइटर बन गया, नहीं तो ये तो शवारमा बनता होता। भाई साहब जी, कहाँ कृष्ण चंद्र का अन्नदाता है, मंटो का ठंडा गोश्त है, और कहाँ इसमत चुगताई साहिबा, इतना सारा लिटरेचर अपने नाजुक कांधों पे उठाए फिर रहे, खुद क्या लिखा है तुमने? इस माशरे में कोई खुद लिख सकता है? अबे अपना अफसाना सुना यार, शाहीन सिपाही ना बन, सुना। तू ही होस्ट रहे, तारक ट्रेडिंग ना बन। और इसकी सबसे मशहूर लाइन पता कौन सी? बकरे का बच्चा कूड़ा फेंक रहा है। ए होस्ट मियां, सच बोलने वाले को मीठी बातें करनी नहीं आती। क्यों इतने तलख हैं? क्या हुआ है? नया आइन लिखा था मंटो ने, जिसमें मंगू कोचवान नए आइन का इंतजार कर रहा था। आज आइन तो है, लेकिन हम सब मंगू कोचवान बन चुके हैं। ए वड्डी शहद दी मक्खी दा तुहानू रिश्ता आया सी ना जी? भाई ये शो दे विच भी बड़े बड़े वड्डे लोग आए ने, सही बात। उठो, इस दुनिया के गरीबों को जगा दो। वाह 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 वाह। मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पा के ते पड़े मैंने चले। ओके मंटो साहब, आप मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पा के ते पड़े मैंने सजना। शीशे सा बदन है क्या लहराए सजन? चौधरी नहीं चौधरी, मुझे नोट दिखा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। बेदर्द न बन वे, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते पड़े मैंने पुत्री पु पुत्री पु पुत्री 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 पुत्री। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। ओके सर, एक मखसूस हलका है जिसका ये मानना है कि अरबों की सरमायाकारी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं सर, लिहाजा इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मियां साहब या आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? वो लोग हैं जिनका इलेक्शन से दूर दूर तल्लुक नहीं है। ओके, वो नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक मकबूल लीडर पर पर्चों की डबल सेंचुरी करवाकर, उसे कैद में डालकर, इलेक्शन से चंद दिन पहले इंटर पार्टी इलेक्शन की शिक लागू करके मियां साहब का जो नारा है वोट को इज्जत दो, वो सर शर्मिंदा ताबीर होगा ख्वाब? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मैं टॉक शोज में नहीं जाता जी, मैं प्रेफर करता हूं कि आपके प्रोग्राम में आ जाऊं, किसी और के प्रोग्राम में। क्यों? इसलिए कि यहां पे आप मजाक मजाक में मेरी पगड़ी इधर रख देते हैं, इधर पगड़ी उधर रख देते हैं, बड़ा मजा आता है। इस दौर में इतना लोगों के चेहरों पे लबों पे हंसी ले आना बड़ी बात है। सही बात।
इसमें मैं अक्सर व बेशतर कह चुका हूँ, जिस शख्स की तरफ आपका इशारा है वो शख्स किसी कानून की पकड़ में नहीं है, वो किसी इंसान की पकड़ में नहीं है, वो किसी आईन की पकड़ में नहीं है, वो मेरे अल्लाह की पकड़ में। कहा जाता है कि वोट मियां साहब के थे लेकिन लाया कासिम के अब्बा को गया, अब वोट कासिम के अब्बा के हैं और लाया मियां साहब को जा रहा है, तो सर आवाम को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी? मियां साहब का एक अपना एक वोट बैंक तो है, वोट बैंक शायद उनका अपना एक शख्सियत तो है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनकी शख्सियत में क्या है अगर आप उसके साथ उसका मुवाजना करते हैं तो एक तरफ तहजीब है, ठीक है, एक तरफ बदतहजीबी है, एक तरफ बुर्दबारी है, एक तरफ बुर्दबारी के लफ्ज को जानते नहीं है, एक तरफ अखलाक है, एक तरफ बद अखलाकी है। मेरा ख्याल है, मैं वकील नहीं हूँ उनका, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मियाँ साहब का उनके साथ मुवाजना बनता नहीं है। चौधरी हो सकते अटायर वेख चौधरी साहब दा मौला जाटर का ते गल्ला सुन कार्ल मार्क्स वर्गियां आए वाह 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 वाह। सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन साहब का ऑडियोग्राम मशहूर है और सियासत में आपका, तो क्या हम आपको सियासत के बिग बी कह सकते हैं? वैसे मैं एक बात से आपसे इत्तेफाक करता हूँ, सियासतदान उनसे बड़ा एक्टर होता है, वो अंदर एक्टिंग करते हैं चार दीवारी में, हमें पब्लिक के सामने करनी पड़ती है। बाकी सही है, सियासतदान बड़े एक्टर होते, देखिए ना तुसी केंजर हो रो के एक्सप्रेशन देते पार्टी छोड़ दिया। शेख साहब हमने हमेशा आपको फॉर्मल ड्रेसिंग में देखा है, अचानक से आपने लाचा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, जैसे मियां साहब नजरियाती हो गए हैं, क्या आप भी सकाफती हो गए हैं? नहीं, इसमें एक वजह थी, 2018 में मेरी जो हल्का इंतहाब था ना वो थोड़ा तब्दील कर दिया था, तो मैं जब वहाँ पे फिरता था तो मैं देखता था मेरी उम्र के लोग आज भी यही लिबास ज़ेब-ए-तन करते थे, पता नहीं दिल में क्या आया कि मैं इनको क्यों नहीं खुश कर सकता ताकि मैं इन जैसा ही नजर आऊँ। मुझे ये परवाह नहीं है कि कौन क्या समझता है इसको। चौधरी मोहसिन मैं चौधरी रोयल साहब का उदों का फैन हाँ जद इन्होंने लाचा कुर्ता देवे तन किया। चौधराणी का की करना है जी बेचारी लाचा कुर्ता पा के पिंडा के पिंडा च डाची का दुध बेचती फिरती। सियाने आखते हैं घर की चौधराणी दाल बराबर, और चौधराणी ने लाचा कुर्ता मेरी फरमाइश पे पहनना शुरू किया है, और पहले तो उनके अटायर में शामिल था जीन्स लॉन्ग शूज टी शर्ट लेदर जैकेट। ज्यादा खुश मिजाज कौन है? नवाज शरीफ साहब बड़ा तहम्मुल है उसमें और बड़े गाम से आराम से बात सुनते हैं। हाँ जी छोटे मियाँ साहब तो साशे से हिटलर भी हैं। उसकी अपनी है क्वालिटीज। वैसे बड़े मियाँ साहब की क्या बात है, कसम से पुराना लतीफा सुना के क्या नई दाद वसूल करते हैं वो यूट्यूब पे कितना हिट है उनका वो लतीफा के किसी ने पूछा घोड़ों की रेस में के अरे भाई तुम्हारा घोड़ा कौन सा है, वो कहते जिन्हें सारे नु अगे लाया है। इतना पुराना लतीफा तुझे आज भी हंसते पाए। आज मियाँ साहब का मुकाबला उस हारे हुए घोड़े के साथ है जिसने सब घोड़ों को आगे लगा रखा है। चौधरी क्या कहने, मेहरबानी। शेख साहब खुद तो आप माशाल्लाह से तगड़े आदमी हैं, खालिस खुराकें खाते हैं, दूध पीते हैं ताज़ा, सर वो दूध कभी नोटिस किया आपने जो आवाम तक पहुंच रहे सर जो पी के ऐसे बच्चे हो रहे हैं? नहीं आपने पियो थे बिल्कुल। ग्रोथ नहीं हो रही। चौधरी हो सकते भुट्टो साहब ने तो लिखी थी ना If I am assassinated, ये मुझ पे लिखेगी If I am disappear, अगर मैं गायब कर दिए जाऊं। नहीं, ज़्यादा चौधरी ते शोक इमरान रियाज़ आले। चलो तुम मुझे रहने दो, चौधराणी पे किताब लिखो दुख्तरे नेक अख्तर। वाकई चौधरी नेक तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वैसे लोग नहीं मानेंगे। दर दर फिक्र ना करो चौधरी, चौधराणी पे जो मैं किताब लिखूंगी ना मोहसिन उसमें हीरे की अंगूठियां, सहेली की करप्शन, तोशा खाना और अल कादर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड का जिक्र भी जरूर करूंगी। और इस किताब का टाइटल पता क्या होगा? क्या? मान ना मान मैं तेरा मानिका।
हाँ, टाइटल ये होगा लेकिन उसका ओएसटी ये होगा। हुआ क्या सब पता चला, इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे ही सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, पड़म हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे ही सही। मैंने थी ला दे। किसकी मम्मी है आप? मैं मकबूल मम्मी हूँ। क्या मतलब मकबूल मम्मी क्या होता है? मैं मकबूलियत की अनूशुदा लाश हूँ। हाय हाय वाह, अनूशुदा लाश जिसे अपनी मर्जी से कभी घटाया जाता है कभी बढ़ाया जाता है, ना मेरी मर्जी पूछी जाती है ना आवाम की। अगर अपनी मर्जी के सर्वे करवाए जाएंगे तो मकबूलियत ऐसी ही होगी। मकबूलियत की बात कर रहे हो? तुमने अभी कबूलियत का हाल नहीं देखा? अच्छा, कबूलियत किस हाल में है? मकबूलियत तो मुद्दत पूरी कर लेती है लेकिन कबूलियत तो 2-2.5 साल ही निकाल पाती है। हाय, जब बचा था वो लुटाने के लिए आए, मम्मी नाचती फू तेरी फू, फू तेरी फू, फू तेरी फू, तेरी तरफ तू ला दूं तेरी फू तेरी फू तेरी फू तेरी फू 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 फू। पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम आपसे कुछ तुंदो तेज सवालात करेंगे और मेरे ख्याल में आपसे तैयार गेस्ट मेरे पास कोई नहीं आया आज तक। सर फेवरेट प्लेबैक सिंगर सर, नूरजहां जी या लता जी? अच्छा, मैं वैसे पता नहीं बड़ा बदशौक आदमी हूं। नहीं सर, शगफ ही नहीं है मौसीकी से। मेरे ख्याल में मैंने गाड़ी ली थी 2018 में। ओके। और आज 2023 खत्म हो गया तकरीबन, आज तक कभी उसमें गाना लगा नहीं। अच्छा, मोहसिन पाकिस्तान आते मियां साहब ने जब पहला जलसा किया ना मनारे पाकिस्तान, उनके बाजू पे ये बैठा था। तारीफ करना चाह रहे हो या तंज करना चाह रहे हो? नहीं, तारीफ है। मियां साहब के बाजू पे बैठना कोई आम बात है? की बैठा सी अम और मोहब्बत का कबूतर बैठा था। फाकता हूं दी। साडे फाकते नहीं मुकंड है। अब आपने जब गायकी को तो आपने कहीं पसे पुस डाल दिया सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी फेसबुक पे या कहीं लगाओ तो कानों में आ जाती है आवाज। तो फिर बताएं ना सर, दोनों अपने जमाने की खूबसूरत आवाजें रखते हैं। मैडम के साथ एक चीज जो है जो प्लस पॉइंट वो है, वो 1965 के आपने तराने सुने? जी जी जी, तो वो उसका प्लस पॉइंट। सर फेवरेट फोक सिंगर कभी आपकी समाज से गुजरे हो, सरिंदर कौर या फिर मुसर्रत नजीर? पता नहीं, अब मुझे याद नहीं, पुराने जमाने की बात है, मेरी जवानी की बात होगी। हाँ जी जी, ऑफ कोर्स। जवानी दी गल्लां ते बंदा भुलदा ही नहीं, तुसी कहंदे हो याद नहीं। अगर याद रखोगे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। तुम्हें पता कि मुसर्रत नजीर, पता नहीं तुम्हें पता कि पता, वो गांदे गांदे अपना नक बड़ा अजीब तरीके नाल चढ़ाती सी। हले तुसी सुनदे नहीं सो वेखदे सो। पर ये तो अब आपने लूज बॉल दिया सर, अच्छी खासी। ना ना, मैं अगर आप देखें, अगर आप अच्छी चीज को देखेंगे नहीं, बड़े बदशौक हैं यार आप। ओके, अभी अभी आपने लता जी को नहीं सुना, मैडम को नहीं सुना, तो आप खुद बदशौक थे। मुसर्रत साहब का गाना कौन सा था जिसमें वो नाच रहा थे? देखिए उधर ध्यान ही नहीं सी। सर फेवरेट पंजाबी हीरो सुल्तान राही साहब या फिर यूसुफ खान साहब? यूसुफ खान को ये एज था कि वो शक्ल भी उनकी खासी
खूबसूरत कह सकते हैं, खुश शक्ल थे, बिल्कुल खुश शक्ल थे। राही साहब का अपना एक मकाम है, उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो मेरे ख्याल में शायद आज तक कोई उनको पा नहीं सका। सर फेवरेट कॉमेडी एक्टर वेटरन, सर रंगीला जी या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर बहुत अच्छा एक्टर था। सर किंग ऑफ कॉमेडी आप किसको मानते हैं, अमानुल्लाह खान साहब को या फिर उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह बड़ा स्टाइल एक्टर था। अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब दोनों के लिए बहुत ही तालियां। सर अब मौजूदा किंग ऑफ कॉमेडी सुहेल अहमद साहब या कपिल शर्मा? कपिल शर्मा सीखेगा सुहेल अहमद से। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, खबरें यही हैं और बड़ी मुस्तनद खबरें हैं कि कपिल शर्मा साहब सुहेल अहमद साहब को अक्सर फोन किया करते हैं और उनसे तबादला ख्याल भी करते हैं, सीखते भी हैं और जाहिर है कि दाद भी वसूल करते होंगे। सुहेल साहब भी पंचनास आदमी है। पसंदीदा गुलूकार मेल सर, मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर दा? मोहम्मद रफी का मुकाबला तो नहीं करें आप। सर आई लव यू सर। तालियां। आपने ये पूछा ही नहीं कि रफी का कौन सा गाना मुझे पसंद है। बताएं सर, बताएं सर। वो उसका गाना कहोगे तो रो देंगे हम, हंसना तुमने सिखाया। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब आंसू का हमारे, गम न करो ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सर फेवरेट ऑलराउंडर सर, कपिल देव या इमरान खान? कपिल को मैं कह नहीं सकता, तो ये इतना बड़ा ऑलराउंडर था नहीं। सर आपकी सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया क्रिकेट में नुमाया ऑलराउंडर्स में इमरान खान साहब का नाम हमेशा रहेगा। सर पसंदीदा अदाकार दिलीप कुमार साहब या फिर मार्लन ब्रांडो? दिलीप कुमार से उसने कुछ सीखा होगा। सर बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका, और यकीनन ये बात डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, कहीं पर रकम तो नहीं है, लेकिन हाँ 40s में दिलीप साहब मंजर आम पर आए, उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और 50s में मार्लन ब्रांडो साहब ने अपने करियर का आगाज किया था, तो यकीनन उन्होंने अपने सीनियर होने की हैसियत से भी दिलीप साहब से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा। वाह वाह वाह। लेकिन मार्लन मरुंडा भी घट नहीं हूं। मार्लन मरुंडा भी घट। यार मोहसिन तुम अपनी बातों में भूल ही गए हो, कैंची बंद करके मेरे को रख दीजिए। सर पसंदीदा सियासी मुखालिफ आसिफ अली जरदारी साहब या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब? अगर आप शुजात का नाम लेते, शुजात साहब का नाम लेते तो मैं कहता हूँ मेरे मुखालिफ कैंडिडेट जो है सियासतदान हो शुजात साहब। अच्छा परवेज इलाही साहब नहीं? नहीं, नहीं। तो गोया चौधरी परवेज इलाही साहब को आप अपने मुखालिफीन में भी नहीं गिरदानते? हाँ वो नून लीग में होते तो शायद वो वजीर आला हो जाते। सर फेवरेट कॉलम निगार सर, हसन निसार साहब या फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब? शामी साहब एक बड़े मजे हुए बस हैं। फेवरेट कैबरे डांसर सर, हेलन या जिप्सी रोज ली सर? इंटरेस्टिंग नहीं है, सॉरी अबाउट द क्वेश्चन। हेलन जी बड़े वड्डे कैबरे डांसर होए ने, मैं तो इतना ही कहूंगा हेलन वस हेलन मरहबा। बेल्डन चौधरी, हेलन जी तो कैबरे डांसर हुए ना, तुम भी बहुत बड़े लैबरे हुए हो। तालियां भाई, बढ़िया खेला लड़के ने, बहुत बढ़िया, वाह वाह। सर हम जानते हैं कि आपको मौसीकी से शगफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा गीत, उसका एक ऐसा अंतरा सुनाऊंगा सर कि वो यकीनन आपकी शादी पे जरूर बजाओगे सर। सोने दिया तारा दा सेहरा जद लाया, वीर मेरे दा होया रूप सवाया। ये मेरा घोड़ी चढ़िया राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। फिल्म करतार सिंह सन 1959, सिंगर नसीम बेगम, मौसीकी है सलीम इकबाल साहब की, और शायर हैं वारिस लुधियानवी साहब। बहुत बढ़िया सर, पहला ही गाना छक्का सर, आउट ऑफ द ग्राउंड सर।
अगला गीत सर, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अपने सारे गम मुझे दे दो। फिल्म आपकी परछाई, सिंगर लता मंगेशकर जी हैं, म्यूजिक मदन मोहन साहब का है, और शायर हैं इसके राजा मेहदी अली साहब। और अगर आप फरमाइश कर देंगे तो हम आपको ये सुना देंगे। मैं तो मैं कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं चौबीस शर्मा सुना। इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आंखें, सदा ये होंठ मुस्काए, मुझे अपनी सभी सभी दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। सर बस आखिरी जहमत है आपको, उसके लिए आपको यहां तशरीफ लाना होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर जाते जाते बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत लुत्फ आया सर, हम ऐसे डरे हुए थे आपसे। कभी कभी होता है, कभी किसी शख्स का आपको गलत आपके दिमाग में इमेज हो। मैं तो ये समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में बुला लिया। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप दूसरों को हंसाते हैं और अपने ऊपर आप तंज करते हैं और अपने आप को आप खत्म करके वाँ वाँ वाँ। लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है। बेशक बेशक बेशक। सर जाते जाते वैसे तो ये हैप्पी रोस्टिंग हमारा एक सेगमेंट होता है, लेकिन आप जो भी हमारे शायाने शान एक एक जुमला हो सर, सबसे पहले हमारे साशे पैक मंटो साहब सर। तो मेरे दोस्त का बेटा है तो मुझे प्यारा। वाह शेख साहब ने तो कुछ नहीं कहना, चलो मैं कह देती हूँ, कृष्ण चंद्र की दुआ तो दी। यार वापस आना, जिन्हों कुछ ना कुछ आप ही करना शुरू कर। आइए अल्लाह रखा सर, चले सर इनके शायन निशान कुछ अता कीजिए सर। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा टैलेंटेड, बड़ा टैलेंटेड फनकार है। बाकी शेख साहब बड़ा टैलेंटेड है, गोरा कब्रिस्तान चो कट के ले आए। पीछे आ जाओ, पहली कुल्फी है जी दे मुंह नु अग पई। सर अगली बारी बाजुद खान साहब की है सर। चलो मुंडा बन के खलो जा। जी शेख साहब। उन्होंने अपने दोस्त का मुंह मार दिया। नहीं नहीं, बस स्टाइल एक्टर है। बेशक सर, बहुत अच्छा एक्टर है। और ये सब तो खूबसूरत तीन चीज है ना जी, वो ये बड़ा सबमिसिव है, इखलाक प्यार कुट कुट के बराबर। बेशक सर, अगली बारी पलक साहिबा की। मुश्किल काम है इसका बेचारी का, बस इसकी सीट बदल दे आप। बाकी चौधरी इस पास जिन्ना उची बोले ना, फलक भावे घर भी कह रही है, इधरों आके गल कर। सर अगली बारी है जोहा जी की। ये तो बच्ची है, बेटी है, बड़ी अभी बहुत आगे जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ तो होगी शेख साहब की तरफ से, वैसे बची है ना एहो जी कुड़ी बिल्ली नू नील दे देंदी हुंदी। चिट्टी बिल्ली नू नील दित्ता है। ये हो गया, आप आ जाइए यहां से। चले चले चले, आ जाए आ जाए, आज तो वैसे इज्जत हो रही है। इश्क अब्दुल्ला का मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं बहुत अच्छे से एक आवाज का मुद्दा हूँ। और मैं एक और बात बताऊँ, जिस जगह से आए हैं इनकी हंसी का आज भी नकल उतारी जा रही है। ऐसा ही है, आज तो वैसे बड़े प्यारे लग रहे मोहसिन। दो तीन बारी शेख साहब ने आज तारीफ करती है शो च, किधरे तनख्वाह वधाण दा ना कह दई। वो तो कपड़े देखो एडे प्यारे लग रहे, इहो जे मुंडे नूं इंज दे कपड़े पवा के ना दरख्त नाल भी तस्वीरां खिंच लईदियां बस।